हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल उज्ज्वला इन शाहजहानपुर। आज हम बनाएंगे आलू का परांठा। हम यहाँ एक आलू को का किस कर लेंगे, मतलब मुझे इससे आलू घिसना अच्छा लगता है, पूरा मैश हो जाता है आलू पराठा बनाने के लिए। ओके, अभी हम देखेंगे कि आलू पराठा कैसे बनाते हैं। आलू पराठा बनाने के लिए हमने एक आलू मैश करके ले लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे अब लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे साबुत जीरा। ओके, और थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। नमक अपने अपने स्वादानुसार डालिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छी आती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और हम थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर। थोड़ा सा खट्टा लगे इसलिए थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर। इस तरह मिक्स कर लेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं लाल मिर्ची, लाल कश्मीरी पाउडर इसलिए डालती हूँ ताकि बच्चा अगर खाए, कोई भी खाए, तो उनको मिर्ची ना लगे। इसलिए मैं फटाफट करने के चक्कर में मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ, हरी वाली लाल मिर्ची किसी भी ही ऐड करती हूँ। देखिए, ये हमने रोटी बेल लिए है, थोड़ी सी लोई करके रोटी थोड़ी सी बेल। अब इसमें डालेंगे ये आलू और इसको ऐसे पैक कर लेंगे। इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। देखो ऐसे पैन ऑन कर लेंगे। अब यहाँ तवा पैन रख दिया है, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ मैंने ऑयल इसलिए लगाया है क्योंकि खांसी हो जाती है, बच्चे खाते हैं, इसलिए घी नहीं ही यूज़ किया अभी। वैसे भी शर्मिल की तबीयत ख़राब थी तो उसे अभी घी नहीं दे रही थी क्योंकि उसे खांसी थी, इसलिए अभी हमने यहाँ ऑयल ही यूज़ किया है। ये है हमारा पराठा। देखिए कितना सुंदर पक रहा है हमारा ये पराठा। ऊपर से ऑयल थोड़ा कम लग रहा है। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो, क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनके रेडी है हमारा पराठा, अब इसको सर्व करेंगे सुपर से सॉस के साथ। यम्मी यम्मी।